डोरिया में 17 वर्षीय युवती का कुआं में शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। मृतक की मां गोमती बरार ने बताया कि मेरा पति गणेशी बरार और पुत्र रिश्तेदारी में गए हुए थे और मेरी पुत्री रानी बरार घर पर थी। तभी बीती रात 9 बजे के लगभग खाना खाकर रानी अपने कमरे में सो गई। जब सुबह हुआ तो देखा कि रानी अपने कमरे में नहीं है। पति को सूचना देकर आस पड़ोस में देखा तो रानी की चप्पल कुआं के पास मिली और शव कुएं में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी के खनेजा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। घटना स्थल पर एसपी सचिन शर्मा, एसडीओपी कमल कुमार जैन सहित एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच कर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आधार कार्ड, बैंक की पासबुक सहित छोटे सी पोटली में कुछ सामान बंधा मिला है। मामला जो भी होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सर 9 बजे खाना खाया, सो गए। सुबह उठी मैं तो 5 बजे जाती जानवर के लिए, जानवर ढीलने गई। जानवर से आई तो झाड़ू वाड़ू लगाया, अपना काम धंधा किया। मैंने बोली कि अब बेटा चाय बनाने के लिए लड़की को उठा लूँ। 7 बजे तक सोती रहती थी तो उधर देखा तो वो नहीं थी। तो फिर मैंने ढूंढा सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा, मोहल्ले में गई सारी जगह ढूंढा तो कहीं नहीं रह रही मिली मुझे। ढूंढते ढूंढते तो मैं उधर गई तो चप्पल डली थी तो चप्पल उठा कर लाई। फिर मैंने अपने एक देवर का लड़का है उससे फोन लगवाया। मैंने कि रानी पता नहीं भैया कहाँ गई, वो दिखती नहीं है, 1-2 घंटे हो गए। फिर मैंने अपने बच्चन को फोन लगवाया। घर में कौन कौन था? मैं अकेली थी सर। पिता भाई वगैरह? वो निमंत्रण गए थे। तो कोई रात में कोई घर आया था क्या? कोई गेट खुला था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खेत खुला सर, किसी ने नहीं खोला। क्या वजह रही अगर? कुछ नहीं खोला। ये आत्महत्या मानती है, इसको हत्या मानती है, क्या मानती है आप? मतलब क्या लग रहा है आपको कि क्या हो, लड़की ने खुद आत्महत्या की है कुएं में गिरकर या किसी ने उसके साथ मतलब हत्या की है? क्या लगता है आपको? मुझे तो सर कुछ नहीं लगता। मैं अच्छी तरह खाना खाया, लेट गए अच्छी तरह से। वो बस बोल रही थी कि मुझे 2 दिन से सिर में दर्द है मम्मा। तो मैंने बोला कि पिताजी आ जाएंगे बेटा, उधर गए दीदी के पास तो सिर दिखवा देंगे, झरवा देंगे। आज सवेरे गणेशी लाल अपने गांव के चौकीदार के साथ उपस्थित थाने आया। उसने रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की रानी की लाश कुआ में, वहाँ गड़रिया के कुआं में, डोरिया गांव में पड़ी हुई है। इस पर से हमने मर कायम कर जांच में लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, एफएसएल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एफएसएल प्रभारी, एसडीओपी साहब और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। वहाँ पहुँचे, वहाँ जांच करी तो उसको डेड बॉडी निकलवाई गई। डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है, पीएम भी हम टीम द्वारा करा रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या अंदेशा लग रहा है सर? अभी तो कुछ संदिग्ध प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन आफ्टर पीएम की स्थिति स्पष्ट होगी, जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।